हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड ईएम। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी। जैसा कि सभी जानते हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, सभी का फास्ट होता है, तो उसमें कुछ हेल्दी और टेस्टी और कुछ झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी। तो हम आज बनाएंगे घी का हलवा, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। घी का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैं सबसे पहले एक कढ़ाई ले रही हूँ और उसमें अब हम यहाँ डालेंगे देसी घी। लगभग मैं 3 चम्मच बड़े देसी घी के डालूंगी और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये घिया। लगभग मैंने 1 किलो घिया लिया है और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे घी में डालेंगे। इस तरीके से चलाते हुए एक बार अच्छे से पूरे घी में इसको इस तरीके से चला लेंगे। फ्लेम को यहाँ हाई रखेंगे हम, इसे तेज फ्लेम पर ही हम पकाएंगे क्योंकि घिया थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो इसलिए तेज फ्लेम पर ही हम इसे इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए घी ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से इसे 2 मिनट के लिए और चलाते हुए पकाएंगे। देखिए थोड़ा सा घी हमारा पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1 कप दूध। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और इसको इस तरीके से पूरा अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे और अब हम इसे इसी तरीके से फुल फ्लेम पर ही, फ्लेम को मैंने यहाँ फुल ही रखा है, और इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक कि ये हमारा दूध अच्छे से सूख नहीं जाता है, बिल्कुल दूध बिल्कुल सोख नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे इसी तरीके से फुल फ्लेम पर रखेंगे। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए दूध सूखने लगा है। अब बस हमें 2 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से और अब चलाते रहेंगे हम, ताकि ये नीचे ना लगे। और यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ मैंने ये 2 इलायची कूट ली थी और इलायची पाउडर डाल दिया है, और साथ में ही हम यहाँ डालेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी के। ये आपके ऊपर है, आप कैसा मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से करके अब 2 मिनट के लिए हम इसे और इसी तरीके से चलाएंगे ताकि ये बिल्कुल सूख जाएगा। ये देखिए चीनी डालते थोड़ा सा पानी इसने और छोड़ा है, वो सब अभी ठीक हो जाएगा क्योंकि हमने फ्लेम को तेज ही रखा है। अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। सबसे पहले मैं यहाँ डालूंगी गरी गोला। इसको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था, ड्राई वाला जो गोला होता है उसको पीस के मैंने रखा हुआ है, ताकि मैं कोई भी हलवा या खीर बनाऊं तो मैं उसमें डालूं, तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से कूटा हुआ। और साथ में ही यहाँ पे मैंने कुछ बादाम और काजू ये रफली चॉप कर लिए हैं, और साथ में ही डालेंगे हम थोड़ी सी किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम ज़्यादा, और अगर आप चिरौंजी डालना चाहें या कोई और ड्राई फ्रूट तो वो डाल सकते हैं। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ड्राई फ्रूट को मैंने पहले घी में रोस्ट नहीं किया था क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा घी पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट भी डालेंगे तब भी अच्छा लगेगा। अगर आप उसको थोड़ा सा घी में रोस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए बस अब हम इसे 2 मिनट के लिए इस तरीके से और हिलाएंगे ताकि इसमें जो थोड़ा सा भी दूध रह गया हो तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे क्योंकि ठंडा करने के बाद ये बहुत टेस्टी लगेगा, तो इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, फ्लेम को कर देते हैं बंद और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से आप इसे व्रत में बनाएं और ये हेल्दी भी और पौष्टिक भी, और इस तरीके से ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। इसे बनाने में मुझे सिर्फ 7 मिनट लगे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा और बादाम से हम इसे
गार्निश कर देंगे इस तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।